हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है और इस वीडियोस में हम लोग वाईफाई को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने वाईफाई के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, तो इस वीडियोस में हम लोग वाईफाई को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। जनरली आप लोग अपने नेटवर्क की बात करें तो हम लोग किसी भी तरह के नेटवर्क में वाईफाई ज़्यादातर इंटरनेट को शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग इस नेटवर्क में देख सकते हो कि ये दरअसल इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें ओरिजिनल डिवाइसेस चाहिए होती हैं, बट इसको मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक सिस्को पैकेट रेसर करके एक मार्केट में एक वर्चुअलाइजेशन का एक टूल आता है, इस टूल की हेल्प लेते हुए मैं इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास ADSL मॉडम है। जैसे कि आप नेट चलाने के लिए आपके घर पे जो आपके कनेक्ट BSNL जैसी ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है आपके कंपनीज, वो आपके घर पे सेट करके जाती हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास वाईफाई एक्सेस पॉइंट है, तो मुझे क्या करना है, अपने इस एक्सेस पॉइंट को कन्फिगर करना है जो कि मेरी इस डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। तो पिछली वीडियोज में मैं इनके IP एड्रेसिंग और यूजर नेम के बारे में सारा बता चुका हूँ। तो चलिए, इसको सबसे पहले कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। लाइक यहाँ पे मैं कोई भी एक कंप्यूटर कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी एक स्ट्रेट केबल लेनी है, यानी कोई भी केबल ले लीजिए। उस वाईफाई मॉडम के पोर्ट पे, यानी कि जो आपके FA पोर्ट होते हैं उसके ऊपर लिखा रहेगा। आपने क्या करना है, उसके FA पोर्ट के ऊपर और यहाँ पे आपके कंप्यूटर के FA पोर्ट के ऊपर आपने लगा देना है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिजिकली दिखा देता हूँ। जब आप लोग अपने इस मॉडम को देखोगे, मॉडम के ऊपर यहाँ पे आपके पास कुछ पोर्ट्स होंगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो पोर्ट है या इंटरनेट पोर्ट है, इसके ऊपर ये केबल नहीं लगनी चाहिए। आपकी इन चारों में से किसी भी एक ये पोर्ट है, इनमें से किसी एक पोर्ट के ऊपर ये केबल आपने कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट इसका जो IP एड्रेस होता है, वो जो आपका IP एड्रेस हो सकता है बाय डिफॉल्ट, वो होता है 192.168.0.1। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी सक्सेस पॉइंट को कॉन्फ़िगर करना है इस कंप्यूटर पे। बेसिकली इन कंप्यूटर पे आप इसको अच्छे से कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे, तो इस कंप्यूटर के ऊपर आपने जाना है और इसको सबसे पहले आपने कनेक्ट करना है अपने वाईफाई मॉडम से। यानी कि आपका कनेक्शन जो है वो वाईफाई मॉडम से होना चाहिए। डेस्कटॉप पे आप जाओगे और यहाँ पे IP दोगे, इस सिस्टम को IP एड्रेस दिया लाइक 192.168.0.1। तो ये एड्रेस दे दिया और हमने सबनेट दिया, और उसके बाद सॉरी 1 नहीं देना, 1 तो इसका एड्रेस है, तो इसको हम 2 दे देंगे। तो इस तरीके से आप लोग एड्रेस दोगे और इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप लोग वेब ब्राउजर में जाओगे, और यानी कि नॉर्मली सिस्टम में आप गूगल क्रोम में जा सकते हो, यहाँ पे मैं वर्चुअलाइजेशन होने की वजह से वेब ब्राउजर में जा रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इस मॉडम का एड्रेस लिख देना है 192.168.0.1, और ये एड्रेस लिखोगे आपके सामने यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यूजर नेम है एडमिन एंड पासवर्ड भी इसका बाय डिफॉल्ट एडमिन ही रहेगा। तो ये आपके सामने लिंकसिस का जो ये प्रोग्राम है, ये ओपन हो चुका है। तो ये हमारे पास वाईफाई डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप लोग कनेक्शन वेरीफाई करना चाहते हो तो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाइए और यहाँ पे कमांड लिखिए पिंग स्पेस आपके मॉडम का एड्रेस। कंप्यूटर के ऊपर खड़े होकर आपने क्या करना है, डॉस के अंदर जाकर के ये कमांड टाइप करनी है। अगर यहाँ पे आ रहा है रिप्लाई फ्रॉम जो एड्रेस है, तो 3 या 4 पैकेट्स ये सेंडर रिसीव करेगा। अगर ऐसा हो गया, इट मीन्स ये कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे आ रहा है रीच अनरीचेबल होस्ट डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो इट मीन्स आपका जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश अभी नहीं हुआ है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी ये जो डिवाइस है आपके इस वेब ब्राउजर के अंदर जैसे ही ओपन हो जाती है, चलिए मैं दोबारा से एक बार कर देता हूँ 192.168.0.1 और एंटर किया और एडमिन एंड एडमिन, तो मैंने एंटर करके ही खोल लिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर आओगे वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इंटरनेट सेटअप है जो कि आपका इस मॉडम का इंटरनेट के साथ कनेक्शन बनाएगा। और नेक्स्ट है नेटवर्क, यानी कि आपके वाईफाई नेटवर्क के बारे में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आपके नेटवर्क से अगर पीछे में कोई ऑटो कॉन्फ़िगर करने के लिए DHCP जैसा एक सर्वर लगा हुआ है, तब तो आप ऑटो कॉन्फ़िगर के ऊपर भी इसको चला सकते हो। अदरवाइज आप लोग इसको स्टैटिक के ऊपर कर सकते हो। स्टैटिक के ऊपर वही यूजर्स करेंगे जो जैसे कनेक्ट जैसे एक ISP हैं जो आपको नेट प्रोवाइड कराती हैं, उसमें ये चीज़ यूज करी जाती है। अगर आप लोगों को यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल के कनेक्ट करना पड़ता है, फिर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट ना करते हुए इस PP जो PPPoE वाले को सेलेक्ट करोगे, और जो यूजर नेम आप लोग वहां पे डाल रहे थे अपने कंप्यूटर में, BSNL जैसे यूजर जो करते हैं, तो वो यूजर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। तो फिलहाल मैं तो स्टैटिक करने जा रहा हूँ। तो इसके ऊपर आपको जो भी एड्रेस सेट करना है, लाइक ज्यादातर आपकी जो कंपनीज हैं आपको 192.168.1. ऐसा एड्रेस देती हैं, तो वही एड्रेस आप लोगों ने यहाँ पे टाइप कर देना है। 1.1 नहीं दे सकते, वरना आपके गेटवे का होता है। यहाँ पे मैं 6 7 ऐसा कुछ दे देता हूँ, और यहाँ पे आपने सबनेट बताना है।
जो भी आपका ये सबनेट है, तो यहाँ पे लाइक मैंने ऐसा सबनेट बता दिया। और गेटवे आपका बीएसएनएल के यूजर्स को तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन कनेक्ट के यूजर ये गेटवे आपको बताओगे। और डीएनएस जो हो सकता है, डीएनएस वैसे आप 8.8.8.8 भी चला सकते हो। वैसे मैं कनेक्ट का बीएसएनएल सॉरी ये डीएनएस यूज करते हुए मैं यहाँ पे एड्रेसिंग कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये 102.164.51.21 आपने एड्रेस देना है। तो ये एक इंटरनेट सेटअप है और ये आपके इंटरनेट जो आपके मॉडम के ऊपर इंटरनेट जो है रिसीव होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बाकी की ये जो नेटवर्क की सेटिंग्स हैं, ये सारी सेटिंग्स ये बता रही हैं कि आपके वाईफाई नेटवर्क किस आईपी एड्रेस के ऊपर चलेगा। अगर यहाँ पे मैं 150 कर देता हूँ तो हमारे वाईफाई के जो नेटवर्क हैं वो 150 के ऊपर काम करेंगे, लाइक 150.0.0.1। और यहाँ पे आपने सबनेट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप कुछ भी लाइक ऐसा सबनेट सेलेक्ट कर लीजिए, ओरिजिनल में आपको बिल्कुल सही नजर आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो डीएचसीपी, जो कि आपके क्लाइंट को ऑटोमेटिक एड्रेस प्रोवाइड कराएगा। ये आपके वाईफाई क्लाइंट के लिए होता है। यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स कितने हो, लाइक 50 यूजर्स को प्रोवाइड करे या 100 यूजर्स को। और यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके क्लाइंट को डीएनएस क्या मिले। तो ये डीएनएस आपने वही रखना है जो आपको आईएसपी प्रोवाइड करा रही है। तो यहाँ पे मैं वही डीएनएस कर देता हूँ। उसके बाद आपको सेव करना है। तो सेव करने के बाद एक बार आपका यहाँ से कनेक्शन ब्रेक होगा और दोबारा से इसको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग वाईफाई के नेटवर्क की और जो आपके इंटरनेट सेटअप की कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये, अब अगर आप दोबारा से इसको खोलना चाहोगे तो आपको पहले एड्रेस चेंज करना होगा, क्योंकि आपके मॉडम का आपने आईपी एड्रेस चेंज कर दिया, वो 150.0.0.1 की है, तो मैं इसको 2 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको सबनेट बताना होगा .0.0, और यहाँ पे हम लोग गेटवे बता देंगे, क्योंकि ये मेरा क्लाइंट जो है वो वाईफाई डिवाइस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो सारी सेटिंग्स वाईफाई के साथ मतलब जो है कंपेटेबल होनी चाहिए। अब मैं पिंग करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने उसको 1.1 दिया था, तो अभी ये 150.0.0.1 के साथ पिंग कर रहा है। और इसी के साथ अब हम लोग यहाँ पे इसको खोल पाएंगे और यही इसी एड्रेस के साथ ये क्लाइंट भी हमारे कनेक्टेड होंगे। देखिये मैंने 150.0.0.1 डाला है, तो ये चीज डालने के बाद आपने एडमिन एंड अगेन एडमिन, तो ये चीज डालनी है और आपके सामने वो डिवाइस जो आपकी ओपन हो जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पे आपके क्लाइंट्स के ऊपर जाकर के चेक करोगे, तो क्लाइंट के ऊपर भी जो आपके आईपी एड्रेसेस हैं ऑटोमेटिक करोगे, यही एड्रेस आपको यहाँ पे शो होंगे। और आप लोग चाहो तो इनको पिंग भी करके देख सकते हो आपस में। तो देखिए सक्सेसफुली पिंग हो रही है और हमारे जो कंप्यूटर्स हैं ये 150 की सीरीज के ऊपर काम कर पा रहे हैं। हम लोग यहाँ से चाहें तो पिंग भी करके देख सकते हैं 150.0.0.1 के साथ। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग ये छोटा सा एक नेटवर्क बना सकते हो। तो ऐसी कई तरह की नेटवर्किंग की वीडियोज मैंने अपने इस ब्लॉग के अंदर अपडेट करी है, तो आप लोग चाहो तो इस YouTube चैनल के ऊपर जाकर के स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियोस में इतना ही। तो इसमें से मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये नेटवर्क जो हमारे जो बेसिकली सिस्को का राउटर्स होते हैं, इनके ऊपर जो हमारा आईपी एड्रेस होगा वो बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस कौन कौन से हो सकते हैं, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो नेक्स्ट 15 सेकेंड्स में आपको नीचे टाइप करना है। इस वीडियोज में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।